नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 16 अगस्त सोमवार सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। तालिबान ने लगभग पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद काबुल पर अपना शिकंजा कस लिया है। तालिबान के आगे अफगानी सेना ने सरेंडर कर दिया है। अफगानिस्तान की सेना ने तालिबान के सामने सफ़ेद कपड़ों में सरेंडर किया है। वहीं तालिबान के नंबर दो नेता मुल्ला बरादर अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी से सत्ता हस्तांतरण के लिए बात कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि अली अहमद जलाली को राष्ट्रपति अशरफ गनी सत्ता सौंपेंगे। काबुल एयरपोर्ट पर एयर इंडिया की उड़ान की सुरक्षा और बोर्डिंग प्रक्रिया चल रही है। दिल्ली आने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट काबुल से 129 यात्रियों के साथ उड़ान भरेगी। वहीं राष्ट्रपति अशरफ गनी और उपराष्ट्रपति अमीरुल्ला सालेह ने देश छोड़ दिया है। गनी से जुड़े सूत्रों ने बताया है कि वे अमेरिका जा रहे हैं। वहीं कुछ तालिबानी सूत्रों के मुताबिक काबुल की पुलिस आत्मसमर्पण करने लगी है, वे अपना हथियार तालिबान को सौंप रही है। राजसमंद जिले के खमनोर थाना क्षेत्र के धिंदाकड़ गांव में एक किशोरी का पेड़ से शव लटकता मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस ने बताया कि शव 4 दिन पुराना लग रहा है। पुलिस ने बताया कि शव की पहचान हीरा गमेती के रूप में हुई है, वह 4 दिन से लापता थी। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। अलवर के पास रविवार सुबह ट्रॉली और कार की भीषण टक्कर में 5 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए हैं। इनमें 4 भाई बहन और जीजा शामिल हैं। सभी गोवर्धन से गिरिराज जी की परिक्रमा कर लौट रहे थे। दंपति का 10 साल का बेटा गंभीर रूप से घायल है। पुलिस ने बताया कि 5 सीटर कार में 8 सवारी बैठी थी। हादसा कठुमर के पास तुसारी मोड़ पर हुआ। हादसे में मालाखेड़ा के जमालपुर गाँव के रहने वाले वीरेंद्र सिंह, उनकी बहन पूनम, जीजा सुरेंद्र निवासी निमका थाना सीकर के भागेसर की मौत हो गई। वीरेंद्र के चचेरे भाई अंकित और बहन शिवानी की भी मौत हो गई है। घायलों में वीरेंद्र का 10 साल का भांजा पूरव व उनकी पत्नी जूली व भाई की पत्नी रश्मि शामिल है। राजस्थान में अब सरकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर 15 सितंबर तक हो सकेंगे। स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार ने ट्रांसफरों की पर प्रतिबंध में छूट को 1 माह आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। इससे पहले 14 अगस्त को ही ट्रांसफरों पर प्रतिबंध लग जाना था। ऐसे में शनिवार देर रात तक कई विभागों में ट्रांसफर सूचियां जारी होती रही। पंचायत चुनाव वाले जिलों में भी तबादले हुए हैं। इन जिलों में आचार संहिता के हटने के बाद ही कार्यमुक्त होने और नया पद ग्रहण करने के आदेश दिया गया है। इससे पहले 14 अगस्त तक माना जा रहा था कि आगामी 2 दिनों तक बैकडेट में ट्रांसफर ऑर्डर की सूचियां जारी होंगी, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्रांसफरों में प्रतिबंध में छूट को 1 माह बढ़ाने का निर्णय कर राजकीय कर्मचारियों को बड़ी राहत दे दी। नागौर के खीमसर इलाके में नेशनल हाईवे 62 पर कार व ट्रॉला पर गिरने से महिला समेत उसके परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। जिस जगह ये हादसा हुआ वही 6.5 साल पहले महिला के भाई ने परिवार के 9 लोगों की जान चली गई थी। बीकानेर ने कबाड़ी व्यापारी सैयद मोहम्मद जफर अली परिवार के सदस्य जोधपुर में अपने किसी रिश्तेदार की मौत के बाद वहां शोक सभा में सम्मिलित होने गए थे। सभी वहां से अर्टिगा कार में वापस बीकानेर के लिए रवाना हुए थे, तभी यह हादसा हो गया। जोधपुर में महाराष्ट्र की महिला शादी के 8 दिन बाद ही पति का पैसा और गहने लेकर भाग गई। थबुकड़ा निवासी सराफा व्यापारी ने ठाणे निवासी अपनी पत्नी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। दोनों की 4 अगस्त को ही शादी हुई थी। मंदिर में फेरे लेने के बाद कोर्ट में प्रमाण पत्र बनाया था। युवक अपनी नई नवेली दुल्हन को तलाशता रहा। जैसे ही उसकी नज़र अपने घर की तिजोरी पर पड़ी तो उसके होश उड़ गए। गहने और कैश सब गायब था। बताया गया है कि युवती से शादी के लिए युवक ने 2,10,000 रुपये दिए थे। भोमाराम सोनी ने 4 अगस्त को महाराष्ट्र के ठाणे की रहने वाली रेणुका से शादी रचाई थी। भोमाराम की शादी के लिए उसके पिता ने 2,10,000 रुपये बिचौलिए को दिए थे। 12 अगस्त को दुल्हन तिजोरी खाली कर गायब हो गई। जयपुर अजमेर हाईवे पर दातरी में गैस सिलेंडर से भरे ट्रेलर में लगी आग ने इलाके में दहशत फैला दी। हाईवे पर चारों ओर फैले सिलेंडर के टुकड़े और चिथड़े दर्दनाक कहानी बयां कर रहे थे। ट्रेलर पूरी तरह से जल चुका था। पानी से सड़क को साफ कराकर हाईवे को चालू करा दिया गया है। लोगों के मन में रात का दिल दहला देने वाला मंजर नहीं मिट पा रहा है। पुलिस ने 1 किलोमीटर के दायरे में हाईवे के आसपास के क्षेत्र को खाली करवा दिया था। ट्रेलर नसीराबाद IOCL से 300 सिलेंडर भरकर धौलपुर जा रहा था। हादसे में 2 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं 4 गंभीर घायल हैं। ट्रेलर में 300 सिलेंडर रखे हुए थे, 120 सिलेंडर बच गए, वहीं 180 सिलेंडर धमाकों के साथ फट गए।
जयपुर जिले के चाकसू थाना क्षेत्र में चाकसू एसडीएम व साथियों पर पिटबुल डॉग से हमला करने के मामले में एसडीएम राजेश मीणा व उजेर खान ने सांगानेर थाना में शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने बताया कि एसडीएम ने दो महिलाओं पर कुत्ते से हमला करवाने का आरोप लगाया है। एसडीएम और उसके साथी बैडमिंटन खेल रहे थे और उस दौरान महिलाओं ने उन पर कुत्ता छोड़ दिया। पीड़ितों ने भागकर अपनी जान बचाई। विरोध करने पर महिलाओं ने अन्य लोगों को बुलाकर एसडीएम को धमकाया। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची थी। अब पुलिस ने शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। झालावाड़ जिले के गंगदार थाना क्षेत्र के रावतपुरा गांव में एक 20 साल के लड़के ने अपने ही घर में रस्सी से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक मजदूरी करता था और ठेकेदार से रुपए को लेकर विवाद चल रहा था। मृतक की मां मांगूबाई ने ठेकेदार पर पैसे के लेन देन को लेकर मारपीट का आरोप लगाया है। पुलिस ने बताया कि परिजनों का आरोप है कि मृतक शंकरलाल मजदूरी का काम करता था। वह ठेकेदार दिलीप सिंह के साथ अपनी मजदूरी के 500 रुपए मांगने गया था। वहां दिलीप सिंह के भाई गोपाल सिंह और शंकरलाल के बीच विवाद हो गया था। गोपाल सिंह ने उसके साथ मारपीट भी की थी। इसी से परेशान होकर उसने फांसी लगा ली। पुलिस मामले की जांच कर रही है। विधानसभा मानसून सत्र के हंगामेदार रहने के बाद विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत होने जा रही है। 16वीं विधानसभा का अगला सत्र 9 सितंबर से शुरू हो सकता है। ऐसे में राज्य सरकार ने इस बारे में संकेत दे दिए हैं। बस अब राजभवन से आधिकारिक पुष्टि होने के बाद तारीख का ऐलान कर दिया जाएगा। राज्यपाल की मंजूरी के बाद मानसून सत्र में जनप्रतिनिधि विधानसभा में नजर आएंगे। कार्य सलाहकार समिति की बैठक में विधानसभा के कामकाज की रूपरेखा तैयार की जाएगी। लोकसभा के मानसून सत्र के हंगामेदार रहने के बाद विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत हो सकती है। जयपुर हाईवे पर भांकरोटा के पास कार में आए बदमाश एक युवक से मारपीट कर 80,000 रुपए लूट कर ले गए। मारपीट कर उसका अपहरण करने का प्रयास किया, फिर सड़क पर पटक कर छोड़ गए। वह मालिक से 80,000 रुपए लेकर गांव ले जा रहा था। भांकरोटा थाना पुलिस ने बताया कि जयबन सिंह ने रिपोर्ट दी है कि वह करतारपुरा फाटक के पास महेश नगर में रहता है। वह गाड़ी से गांव जा रहा था। उनकी गाड़ी के आगे एक इंडिगो कार काफी तेजी से पीछे से आ गई और 4 लोगों ने उसे गाड़ी से उतार कर मारपीट की और 80,000 रुपए छीन कर ले गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए। Once again.